पश्चिम बंगाल के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन जंग अगर जीतनी है तो वो जोर कितना कामयाब हो रहा है इसका आकलन भी बहुत ज़रूरी है। तो बीजेपी ने भी चुनाव की घोषणा से पहले ये आकलन कराया है। राज की बात यहीं छिपी है कि बीजेपी के अपने आकलन में ये आ रहा है कि वो अभी बहुमत से थोड़ा पीछे है, तो उसके हिसाब से भी आगे रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि वाम पंथ के लाल दुर्ग को ममता बनर्जी ने अपनी दो हरी पत्तियों में कैसे समेट लिया, लेकिन ममता के किले को भेदने के लिए अब बीजेपी अपना अमोघास चलने जा रही है। वो क्या है ये आगे बताते हैं। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मोदी जी स्वागतम। राज की बात ये कि इस सर्वेक्षण में ममता बनर्जी भी अभी बस बहुमत के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। ममता भी ठहरी सियासी अखाड़े की बड़ी लड़ाका। बीजेपी की रणनीति और व्यूह रचना के जवाब में उनकी तरफ से भी पूरी जोर आजमाइश हो रही है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय तृणमूल, जय तृणमूल, जय तृणमूल। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी प्रदेश के कमजोर विकास और भ्रष्टाचार पर बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। इसके अपेक्षित और सकारात्मक परिणाम भी बीजेपी को मिले हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे और जोर लगाना पड़ेगा। आखिर बीजेपी की उम्मीद और कमजोरी क्या है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े खंगालते हैं। 2016 चुनाव में बीजेपी को महज 10% वोट ही हासिल हुए थे, लेकिन 3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी का वोट परसेंटेज 40% तक पहुंच गया। और ये उस सूरत हाल में हुआ था जब 70% बूथ पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट तक नहीं थे। बीजेपी के 10% से 40% तक पहुंचने की कहानी में ही उसकी सारी उम्मीदें छुपी हुई हैं। जिस तरीके से ममता के राज में साइलेंट वोटर बीजेपी के पक्ष में आ गया, वो साइलेंट वोटर ही बीजेपी की उम्मीदों की धुरी है और उनके बीच पहुंचने के सारे जतन बीजेपी कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जंग में जीत के लिए नतीजों का पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है, उसी अनुमान के लिहाज से ताकत का परिमाण तय करेगी बीजेपी, और जो मौजूदा सर्वेक्षण है उसको वो अपने मुफीद मान रही है। उसको लगता है कि जब उसके अमोघास्त्र नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। बीजेपी थिंक टैंक ने इसकी तैयारी भी कर ली है और शुरुआत भी कर दी है। पहले तृणमूल के तमाम बड़े योद्धा बीजेपी के खेमे में आए, जिससे हवा उसके पक्ष में बनी। अब मुद्दों को पकड़कर जनता के बीच में पहुंचना और उनको अच्छे दिन का भरोसा दिलाने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी का आकलन है बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 90% पर तृणमूल और उसकी सीधी लड़ाई है, कहीं कहीं त्रिकोणी मुकाबला भी है। ऐसे में दूसरे दलों को जा रहे ममता विरोधी वोटों को बीजेपी की तरफ लाने में अमोघास्त्र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगर साबित होंगे। इसी लिहाज से उनकी जनसभाएं और भाषणों की थीम होगी जो कि सीधे ममता की तृणमूल का आधार हिला सके। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि मोदी की लहर लोकसभा चुनाव में जोरदार तरीके से चली थी। ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। पश्चिम बंगाल में ममता का विकल्प बीजेपी हो सकती है, यह
भरोसा दिलाने में जनता को पार्टी कामयाब रही है। अब इसके बाद जो कसर है उसको पूरा करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप बीजेपी कदम उठाती चली जा रही है। मसलन ममता के बाहरी के आरोपों के जवाब में उन्हीं के तमाम दिग्गज आज बीजेपी के पाले में हैं, और बंगाली अस्मिता से खुद को नरेंद्र मोदी ने और पूरी पार्टी ने जोड़ दिया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जैसी वेशभूषा भी पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत अपील कर रही है, और रही सही कसर मोदी की बड़ी जनसभाएं और उनके तीक्ष्ण वारों से पूरी हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के थिंक टैंक को लगता है कि मोदी की इन सभाओं के बाद ममता का तिलस्म चूर चूर हो जाएगा।